साथियों जोहार, आज मैं आप लोगों से आदिवासी समाज का एक अहम पिलर सामुदायिकता पर बात करना चाहता हूँ। सामुदायिकता एक तरह से हम कह सकते हैं आदिवासी समाज का सबसे बड़ा पिलर में से एक है। पूरा आदिवासी समाज जो है वो सामुदायिकता पर ही खड़ा है। अब इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये सामुदायिकता जो है आदिवासी समाज का, वो दूसरे समाज से अलग कैसे है, इसको हम समझ सकते हैं इस तरह से, व्यक्तिवादी बनाम सामुदायिकता। एक तरफ आप देखिएगा पूरा गैर आदिवासी समाज, उसका मूल आधार है व्यक्तिवादी, या कह सकते हैं कि गैर आदिवासी समाज का चरित्र जो है वो व्यक्तिवादी चरित्र है, जहाँ पे आप देखिएगा एक व्यक्ति हमेशा जो है वो बहुत बड़ा मसीहा के रूप में बन के आता है। लेकिन आदिवासी समाज जिसका मूल चरित्र सामुदायिकता है, जहाँ पे व्यक्ति एक व्यक्ति का मोल नहीं है, वहाँ पूरी तरह से समुदाय है, या हम कह सकते हैं कि पूरा जीवन का केंद्र है सामुदायिकता। समुदाय ही एक साथ आगे बढ़ता है, वहाँ पे एक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है, उसको कई तरह से हम देख सकते हैं। ये जो सामुदायिकता चरित्र है वो आप देखेंगे हर चीज़ में दिखाई देता है। पहला हम देखते हैं काम। काम बोलेंगे तो खेती में आप देख लीजिए, यदि धान बुनना है तो पूरा गांव का जो है लोग जाएंगे, और एक परिवार का धान बुनना है तो पूरा गांव के लोग एक साथ हल चलाएंगे, धान बुनेंगे, उसके बाद साथ में फिस्ट भी मनाएंगे, खाएंगे पिएंगे एक साथ में। उसी तरह घर बनाना है, कोई एक एक परिवार अपना घर नहीं बनाता है, एक परिवार का घर बनाना है तो सभी गांव के मिल के जो उनका घर बना देते हैं। उसी तरह खेत बनाना है तब भी जो है मिल के करते हैं, और उसके लिए विशेष उन्होंने प्रावधान रखा है। एक को कहते हैं पंचा और दूसरे को कहते हैं मदैत। मदैत में होता क्या है, एक घर बनाना है किसी का मान लीजिए, या फिर खेत में हल चलाना है, धान बुनना है, तो एक व्यक्ति एक एक परिवार से काम करेगा, लेकिन अंत में पूरे परिवार को बुलाया जाता है खाने के लिए। ये मदैत होता है, मतलब मदद करना इसे कह सकते हैं। पंचा जो होता है वो उसमें तय होता है कि एक परिवार से एक व्यक्ति सप्ताह में एक दिन किसी का काम करेगा, और उसमें उसी व्यक्ति को खाना दिया जाता है, पूरे घर वालों को नहीं। ये मतलब एक रोटेशन, घूम घूम के एक दिन इसके घर में एक दिन उसके घर में, इस तरह का चलता है। तो ये पूरा काम जो है संरचना काम का, उसी में सामुदायिकता जुड़ा हुआ है, वहाँ पे व्यक्तिवादी चरित्र नहीं है। दूसरा जो है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया, कोई भी विषय को लेकर गांव में मान लीजिए किसी के साथ झगड़ा हुआ है, किसी परिवार के साथ, या कोई भी विवाद आया, या जमीन बांटना है भाई भाई के बीच में, ऐसा कोई भी विषय, या फिर जो है कि गांव में अपना प्रतिनिधित्व किसी को चुनना है ग्राम सभा के लिए, तो सारे लोग जो है एक साथ बैठ के मिल के निर्णय लेते हैं। अभी जो है तथाकथित लोकतंत्र जो है, आधुनिक लोकतंत्र ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ने का काम किया है। उसके बाद भी आज भी बहुत हद तक निर्णय लेने की प्रक्रिया गांव में मौजूद है। तीसरा जो है वो वनोपज इकट्ठा करना। जंगल में अगर मान लीजिए अभी महुआ का सीजन आ रहा है, तो वनोपज इकट्ठा करने से पहले मिलजुल के पूजा पाठ करते हैं, पार्टी मनाते हैं, नाचते गाते हैं, उसके बाद ही वनोपज इकट्ठा किया जाता है। या फिर फूल इकट्ठा करना है, मान लीजिए एक जिन्होर का फूल हम लोग बोलते हैं, अभी समय हो रहा है, तो कोई व्यक्ति अकेले नहीं जाता है कि हम अकेले जाएंगे तो हम सब कुछ बहुत ज़्यादा मुझे मिलेगा, या फिर लकड़ी लेना है हम अकेले जाएंगे तो ढेर सारा लाएंगे, ऐसा नहीं है। लोग आस अगल बगल के लिए जो भी लोग हैं उनको बोलते हैं कि जंगल जाना है,
फूल तोड़ने जाना है तो सब लोग जाके मिलजुल के जाते हैं, तोड़ के लाते हैं, मिलजुल के बांटते हैं और उसका उपभोग करते हैं। इसी तरह शिकार पर जाना, गांव में कई लोग शानदार तीरंदाज हैं, अक्सर जो है कि जानवर वहीं मारते हैं, उसके बावजूद वो अकेले नहीं जाते हैं। गाँव के जो लोग हैं उनको कहते हैं, वो लोग तय होता है कि शिकार करने जाना है या कल जाना है, कौन जगह पे जाना है, ऐसे लोग तय करके एक साथ शिकार पर निकलते हैं। उसी तरह शादी विवाह, शादी विवाह करना जो है वो पूरा गांव का काम होता है। मान लीजिए गांव में लड़का शादी योग्य हो गया है तो गांव के लोग ही दूसरे गांव लड़की देखने के लिए जाते हैं या खोज पड़ताल करते हैं, ये माँ बाप नहीं करते हैं। लेकिन आजकल क्या हो जा रहा है, हम लोग गैर आदिवासियों का व्यक्तिवादी चरित्र को ले रहे हैं। इसलिए अभी क्या होता है, जो लोग जो आदिवासी शहरों में रहते हैं, नौकरी करते हैं, वो लोग दो परिवार, लड़का का परिवार और लड़की का परिवार तय कर लिया। लेकिन यह आदिवासी समाज के खिलाफ है, चूँकि ये समूह तय करता है, गाँव तय करता है, कुटुंब जिसको बोलते हैं, सामुदायिकता सब कुछ में आना चाहिए। तो शादी विवाह में सामुदायिकता, फिर भी आज भी शहर में भी सामुदायिकता कम से कम दिखती है, लोग आसपास पूछते हैं शादी का आयोजन करने के लिए, लोग लगते हैं। लेकिन गांव में पूरी तरह ना सिर्फ लड़का के लिए लड़की ढूंढना, बल्कि कुटुंब आएंगे उनको खाना बना के खिलाना, वहां जो है मंडप बनाना, सारा कुछ जो है कि गाँव के लोग ही मिलजुल के करते हैं। उसी तरह जो है कि नाचना गाना, अखाड़ा में जो नाच गान होता है, कई कई गांव में आप देखेंगे हर शनिवार को नाच गान का आयोजन होता है, कई कई गांव में आप देखेंगे शादी विवाह के मौके पर या विशेष पर्व त्यौहार के मौके पर, लेकिन उसमें भी सामुदायिकता, सब लोग मिलजुल के नाचते हैं। वहां जो है कि बच्चा से लेके जवान युवती, उधर माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग, सब कोई कोई वहाँ पर दर्शक नहीं है। ये आदिवासी के बीच में जो सामुदायिकता है, इसका सबसे खूबसूरत नमूना जो है सामुदायिकता नाच और गान। कोई आदिवासी को आप अकेले नाचते हुए नहीं देखेंगे, कोई अकेले नाचेगा तो उसको लोग पागल बोलेंगे। तो ये जो आदिवासी समाज का सबसे बड़ा पिलर, इसीलिए मैं बोलता हूँ सामुदायिकता। और आज भी आदिवासी जहाँ जहाँ भी आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन भी आप जन आंदोलन देखिए, जमीन बचाने के लिए आदिवासी वहीं पे जो है जीत हासिल किए हैं, जहाँ पे निर्णय समूह रूप सामुदायिकता के रूप में लिए, एक साथ लिए, वहाँ का रणनीति एक साथ बनाया, एक साथ आंदोलन किया। तो आज भी आदिवासी ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में वहीं पे बचे हुए हैं जहाँ पे वो सामुदायिकता के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, सामुदायिकता को पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। आदिवासी समाज में प्रतिस्पर्धा नहीं है, प्रतियोगिता जैसी चीज़ नहीं आती है, वो एक दूसरे को मिलके जो है कि आगे बढ़ाते हैं। जैसे शिकार का फिर मैं उदाहरण देता, कोई बहुत अच्छा तीरंदाज है तो अपने जो है कि गांव के और लोगों को बताता है कि आप ऐसे करो, ये करने वो करने से आप अच्छा तीरंदाज बन सकते हैं। वो कॉम्पिटिशन नहीं करता है, प्रतियोगिता नहीं करता है कि मुझे ही आगे रहना है। तो आज जो आदिवासी समाज के लोग खासकर शहरों में रहते हैं, 10.1% आदिवासी, उनके बीच में व्यक्तिवादी चरित्र आ गया है, क्योंकि गैर आदिवासियों ने आदिवासियों के दिमाग में डाल दिया कि तुम लोग असभ्य हो, जंगली हो, पिछड़ा हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, आगे नहीं बढ़े हो, हाशिए पर हो, हमारे तरफ आगे आओ। तो उनका नकल करने में आदिवासी सामुदायिकता चरित्र को छोड़ के व्यक्तिवादी चरित्र में धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन व्यक्तिवादी चरित्र से आदिवासी नहीं बच सकता है। हमने देखा है झारखंड का टाटा नगर आप जाइए, चाहे रांची आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ आदिवासी लोग गैर आदिवासियों जैसा जीना शुरू किया, बिल्डिंग बना के, गाड़ी खरीदा, बैंक बैलेंस बनाया, अकेले अकेले चलना शुरू किया, वहाँ आगे नहीं बचे। जमशेदपुर में बहुत सारे आदिवासी जिन्होंने बिल्डिंग बनाया था गैर आदिवासियों के साथ रह के, उनका प्रताड़ना इतना ज़्यादा हुआ, बिल्डिंग बेच के फिर गांव में वापस चले गए और वहां आदिवासियों के साथ जी रहे हैं। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि सामुदायिकता के बगैर हम नहीं बच सकते हैं। आज पूरी दुनिया का जो
पूंजीवादी शक्ति हमारा बचा खुचा जल जंगल जमीन को खनिज संपदा को लूट लेना चाहता है, नदी पानी पहाड़ को लूट लेना चाहता है। आप अकेले अकेले व्यक्तिवादी होकर कैसे बच सकते हैं? इसलिए हमें फिर से सामुदायिकता की ओर लौटना पड़ेगा। हम एक दूसरे का मदद करके, एक दूसरे का सहयोग करके, जिस तरह हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया, हम आगे बढ़ सकते हैं। और यही सामुदायिकता ही हमें बचाएगा। क्योंकि आज व्यक्तिवादी होने से क्या हो रहा है, हम अपनी ना सिर्फ जल जंगल जमीन से बेदखल हो रहे हैं, बल्कि हम अपनी भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा सब चीज से बेदखल हो रहे हैं। और जमीन से बेदखलीकरण से भी खतरनाक चीज है संस्कृति से बेदखलीकरण। ये हम जिस दिन सामुदायिकता चरित्र को छोड़ के व्यक्तिवादी चरित्र में आ गए, पूर्ण रूप से समझ लीजिए आदिवासी समाज खत्म हो गया। हमारा चरित्र व्यक्तिवादी नहीं है, हमें हमारे हम होता है, मैं नहीं होता है। गैर आदिवासी समाज में मैं होता है, मैं मेरा घर मेरा बिल्डिंग मेरा बैंक बैलेंस मेरा कुत्ता मेरा बेटा मेरा बेटी। आदिवासी समाज में सब कुछ समुदाय का। पहले चोरी डकैती लूटपाट बलात्कार घुसखोरी छेड़छाड़ महिलाओं के साथ ऐसा होता नहीं था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि समुदाय में रहते थे, सब कोई जो है कि समुदाय में रहते, एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे को जो है कि आदर सत्कार करते थे, एक दूसरे को सहयोग करते थे। तो वहाँ पे कैसे चोरी डकैती लुटेरा बलात्कार छेड़खानी जैसा होगा? लेकिन जैसे जैसे हम व्यक्तिवादी चरित्र की ओर जाएंगे, गैर आदिवासी समाज का जीवन पद्धति अपनाएंगे, हमारे समाज में बुराई आएगा। तो ये आज हमारे समाज में जितना भी समस्या है, चाहे आप जो है छेड़खानी का बलात्कार का कहिए, या फिर जो है कि ट्रैफिकिंग का कहिए, जमीन लूट का कहिए, या फिर और दूसरे संसाधनों से बेदखलीकरण का, हमारी भाषा संस्कृति रीति रिवाज से बेदखलीकरण का, ये सब क्यों हो रहा है? ये सारे समस्याओं का जड़ है हम गैर आदिवासियों का व्यक्तिवादी चरित्र को अपना रहे हैं। इसलिए अब हमें सामुदायिकता को समझ के सामुदायिकता चरित्र में ही जीना है। सामुदायिकता के बगैर हम लोग नहीं बचेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार।